व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। एंड आज हम लोग बात करेंगे काली मिर्च के बारे में, यानी कि ब्लैक पेपर के बारे में। एंड देखिए, ये जो पूरी सीरीज़ है नो योर किचन सीरीज, इसका मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ अपने चैनल पे। एंड और भी काफ़ी सारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, तो आप उन प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिएगा। काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैंने वहाँ बना के रखे हैं। एंड प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाएं, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। तो देखिए, इंडिया में मेनली काली मिर्च का जो प्रोडक्शन है या जो खेती हम लोग बोल सकते हैं, वो केरला साइड में होती है। एंड पुराने टाइम से इसका यूज़ कॉन्स्टिपेशन के लिए, इंसोमेनिया के लिए, या फिर आपके दांतों में दर्द और अलग अलग प्रकार की बीमारियों में इसका यूज़ किया जा रहा है। एज अ मेडिसिन यूज़ किया जाता है इसको पुराने टाइम से, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी अच्छे अमाउंट में, या कह सकते हैं अलग अलग प्रकार के एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि विटामिन के हो गया, मैग्नीज हो गया, आयरन हो गया, और भी काफ़ी अलग प्रकार के इसके अंदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो भरे हुए हैं। लेकिन इसका जो मेन कंपाउंड है जिसकी वजह से काली मिर्च का उपयोग इतना ज़्यादा हम लोग के लिए हेल्थ बेनिफिशियल होता है, वो है पेपरिन। जी हाँ, पेपरिन एक काली मिर्च के अंदर कंपाउंड पाया जाता है, अंदर जो कि आप कोई भी चीज़ कंज्यूम करते हो सो उनका एब्जॉर्प्शन काफ़ी हद तक बढ़ा देता है, जैसे कि कैल्शियम हो गया, सेलेनियम हो गया, एंड और भी एसेंशियल बेनिफिशियल प्लांट कंपाउंड होते हैं जो भी हल्दी के अंदर होते हैं, जो भी ग्रीन टी के अंदर होते हैं, उनका एब्जॉर्प्शन ये काफ़ी हद तक बढ़ा देता है, जिससे कि आपको उनका फ़ायदा बहुत ही ज़्यादा मिलने लगता है एंड आपकी बॉडी उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकती है, जो भी उसके लिए ज़रूरी होता है या जो भी उस चीज़ से आपको मिलना ज़रूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने हल्दी के बारे में एक वीडियो बनाया था, डिटेल वीडियो बनाया था बहुत ही पहले। तो उसके अंदर एक कंपाउंड होता है करक्यूमिन। सो वो जो करक्यूमिन होता है, हल्दी का जो मेन बेनिफिशियल कंपाउंड होता है, उसका एब्जॉर्प्शन ये जो पेपरिन है वो 100-200% तक बढ़ा देता है आपकी बॉडी के अंदर। एंड इसी तरीके से और भी काफ़ी सारे जो भी एसेंशियल कंपाउंड्स होते हैं, प्लांट बेस्ड एसेंशियल कंपाउंड्स होते हैं, या फिर कैल्शियम और सेलेनियम जैसे मैंने आप लोग बताया, उन सबका एब्जॉर्प्शन काफ़ी हद तक एंड काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपकी बॉडी के अंदर बढ़ाने में हेल्प करता है। साथ ही साथ ये आपकी बॉडी के अंदर जो भी डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उनका प्रोडक्शन बढ़ाता है, जिससे कि आपकी गट रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स जो भी होती हैं, जैसे कि गैस हो गया, एंड जिसमें मैंने पहले बताया था कॉन्स्टिपेशन हो गया, इनडाइजेशन हो गया, इन सबको ये काफ़ी हद तक सही करता है। एंड साथ ही साथ आपके गट में गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। सो ये चीज़ मैंने देखी है, जो लोग भी वेट लॉस डाइट फॉलो करते हैं या जो लोग भी फैट लॉस डाइट फॉलो करते हैं, वो लोग काफ़ी ज़्यादा सादा खाना खाने लगते हैं, या मैंने ये चीज़ देखी कि शाम को वो लोग जो भी बॉयल करके खाते हैं, तो वो केवल बॉयल करके सब्जियां उसको खाते रहते हैं काफ़ी टाइम तक। सो उससे क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो आप लोग बॉयल वेजिटेबल्स खा रहे हो, सो उससे जो आपकी मैं कह सकता हूँ जो भी जूसेस प्रोड्यूस होते हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं जब आपको शाम को सिर्फ और सिर्फ आप काफ़ी लंबे समय तक के लिए कोई मसाला नहीं खाते हो एंड सिर्फ और सिर्फ बॉयल फूड खाते हो। क्योंकि ये जो मसाले हैं यही काम करते हैं हम लोग की बॉडी के अंदर, जब हम लोग की जिसको हम लोग आयुर्वेदिक लैंग्वेज में बोलते हैं या कह सकते हैं कि संस्कृत में बोलते हैं जठराग्नि, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में फूड का डाइजेशन शुरू होता है या भूख लगना शुरू होती है। सो उन सब चीज़ों का, इन सब एंजाइम्स का जो है प्रोडक्शन, वो ये मसाले ही बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है। तो काली मिर्च को आप लोग ज़रूर ऐड करें अपनी डाइट में, और ये जो आप लोग बॉयल फूड खाते हैं उसके अंदर आप लोग सिर्फ बॉयल फूड ना ही खाएं, इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर सकते हो एंड सिनेमन, तो ये सब चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी डाइजेशन को इम्प्रूव भी करने में एंड साथ ही साथ आपका फैट लॉस जो गोल है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो काली मिर्च के अंदर जो एसेंशियल कंपाउंड है पेपरिन, उसकी वजह से आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम होती है वो भी काफ़ी हद तक कम होती है। अब जो इम्यूनिटी वाला यार वीडियो था उसमें मैंने बताया कि इन्फ्लेमेशन एक प्रोसेस होता है, जिससे आपकी बॉडी जो भी एलियन माइक्रोब्स होते हैं, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, उनको आपकी बॉडी के अंदर घुसने से रोकती है। लेकिन जब ये इन्फ्लेमेशन ज़्यादा बढ़ जाती है, सो इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है एंड काफ़ी हद तक इससे आपको अर्थराइटिस होने के चांसेस रहते हैं और भी काफ़ी सारे हार्ट डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। एक स्टडी हुई थी, मैं आप लोग बताता हूँ, एक लैब स्टडी हुई थी जिसके अंदर कुछ चूहों को लिया गया था जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी एंड उनको ये जो पेपरिन एक्सट्रैक्ट है वो दिया गया था, सो उससे उनके जॉइंट्स में जो भी दर्द है या जो भी सूजन है उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिली थी। सो जो भी अर्थराइटिस के पेशेंट हैं वो तो इसको ले ही सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप इसको जब रेगुलर कंज्यूम करोगे सो अर्थराइटिस होने की चांसेस भी कम रहेंगे एंड आपकी जो इन्फ्लेमेशन है उसको भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करके रखेगा, जिससे कि आपकी बॉडी अच्छी तरीके से फंक्शन कर पाएगी एंड आपका जो इम्यून सिस्टम है वो अच्छी तरीके से फंक्शन कर पाएगा। एंड काली मिर्च जब भी आप लोग कंज्यूम करते हो सो उसके वजह से आपकी बॉडी में एंटी ऑक्सीडेंट्स
बहुत ही अच्छे तरीके से बनते हैं, जिसकी वजह से जो भी फ्री रेडिकल्स होते हैं आपकी बॉडी में उसकी काफ़ी ज़्यादा हद तक कमी देखने को मिलती है, एंड उससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। एंड यार इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए ही हर एक चीज़ आजकल ट्राई की जा रही है, एंड इसलिए मैं ये वीडियोज़ बना रहा हूँ ताकि आप लोग घर में बैठे बैठे अपने किचन से जो भी चीज़ें हैं, जो भी सामग्रियाँ हैं, उनका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सके, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सके और बीमारियों से बचे रहें। एंड जिनको कफ या फिर खांसी होती है, खांसी किसी प्रकार जिसमें बताया कि या तो कफ वाली खांसी हो गई या सूखी खांसी हो गई, तो उसके लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त है काली मिर्च। मैं आप लोग बताता हूँ, ये घर में मेरे उपाय बहुत ही टाइम से ट्राई करते हुए आ रहे हैं हम लोग, कि आप लोग 2-3 तुलसी के पत्ते लीजिए, ठीक है, उसमें ये 2 काली मिर्च रखिए खड़ी, पाउडर नहीं करना उसको, एंड उसको आप लोग अपने मुँह में रखिए, एंड जो उसका जूस होता है वो धीमे धीमे अंदर लेंगे, तो उससे आपकी खांसी बिल्कुल सही हो जाएगी, एंड जो भी उसका जूस अंदर गया है वो आपके और भी काफ़ी सारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं, गट में प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन, डाइजेशन, इन सब की प्रॉब्लम को भी बहुत हद तक सही करती है। तो इसको आप लोग ज़रूर यूज़ करें, साथ ही साथ काढ़े में इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड हाँ, दूध में जब आप लोग हल्दी डाल के पीते हो रात में, तो उसमें जब आप लोग काली मिर्च ऐड करोगे, तो जैसे मैंने आप लोग बताया कि जो भी हल्दी का एसेंशियल कंपाउंड होता है करक्यूमिन, उसको एब्जॉर्ब करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, जिससे आपको उसके मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाएंगे, एंड कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में तो हेल्प करता ही करता है। साथ ही साथ जो आप लोग ग्रीन टी पीते हो उसमें भी इसको ज़रूर ऐड करें, क्योंकि जो भी ग्रीन टी के एसेंशियल कंपाउंड होते हैं उनको भी एब्जॉर्ब करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो काली मिर्च बेसिकली एक ऐसा मसाला है, एक ऐसा स्पाइस है जिसको आप लोग अकेले खाओगे सो उससे आपको उतना ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप लोग इसको किसी के साथ कंबाइन करके खाते हो, जैसे कि हल्दी हो गया, या फिर जो भी आप लोग सैलड खाते हो उसमें हो गया, या जो ग्रीन टी लेते हो उसमें हो गया, या जो आप लोग दूध लेते हो हल्दी वाला उसमें हो गया, सो जो दूसरी चीज़ों के एसेंशियल बेनिफिट हैं वो आपकी बॉडी में अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होंगे, एंड आपकी हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा फायदा और काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा आपको। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड इसके बाद एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो आने वाला है, उसमें मैंने आपके लिए बहुत ही ईजी वे में और बहुत ही अच्छे अच्छे ड्रिंक्स बताएँ जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगी, जो कि इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।